छुपा के लाएंगे ताकि मर कदरून वाले जान ना सके। मेरे दोस्तों अगर ये जायज होता मैं तो रोजाना करता, मुझे 1000 रुपए मिल जाते, अच्छी खासी रकम मिल जाती। अफसोस लगता है भाई, जिस बात को बताया या मानो तस्लीम करो, कुरान और हदीस से हट के हम कोई नहीं बात बताते। कुरान सिर्फ नाम का, शादियों में कुरान दिया जाएगा वहीं रखना रहे, क्यों आपने सिखलाया नहीं? एक शायद फर्जी वाकया हो सकता है, आप सुना रहे थे कि एक बाप ने बच्चों ने पैसा मांगा तो बाप ने शर्त लगा दी, दो बेटे एक बेटी थी, कहा मैं तुमको पैसे दूंगा और तुम लेके छुपा देना, जिसका पैसा मैं तलाश कर लूंगा वो मेरा हो जाएगा, नहीं तलाश कर सकूं वो ले ले। बच्चे राजी हो गए, बाप दे दिया, दूसरे कमरे में गए, बच्चे छुपा दिए। बाप तलाश करने के बाद काफी देर के बाद दोनों बच्चों का पैसा तलाश कर लिया, बेटी का तलाश कर रहा है, नहीं मिला, परेशान कहानी। अब हुआ चल अपनी को तलाश कर सकता, बेटी गई कुरान पाक के अंदर से, कुरान पाक के अंदर से लेके आई और उसका पैसा उसका हो गया। तो बाप ने कहा कि अभी तो तू कहां था, उसमें कैसी छुपाई? हां कि अब्बा जान ने कब से देखती से कोई खोलता ही नहीं, मैं समझ गई इसमें छुपाऊंगी कोई खोलेगा। हम कुरान पढ़ना नहीं जानते, सीख तो ले। आज फजर की नमाज में 8-10 बच्चे थे और नमाज में आए थे, तो नमाज में उनको रोका मैंने, मैंने कहा बच्चों तुम लोग आते हो अल्लाह कबूल करे, मेरी एक बात सुनते जाओ, 15 मिनट वक्त दो तुम, मैं एक उस्ताद से कहूंगा तुम्हारा कुरान सही करा देंगे, 15 मिनट में पढ़ा देंगे। सब बच्चे राजी हो गए। हम कुरान पढ़ने को शर्म करते हैं, कुरान पढ़ने को शर्म करते हैं, तो उम्र हो गई अभी शादी होने को हो, बुझो देखे जाओ घर में जो कहेंगे कहेंगे चले। मैं आपको खुद बताता हूँ, मैंने खुद देखा इस साहब को, मैं गया उनके वहां और वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते, आज तो जरा से पैर में कुछ हो जाए कुर्सी में, अबे नमाज होगी नहीं, पूछो तो कम से कम, रसूलुल्लाह चलने की ताकत नहीं, बैठ के नीचे पढ़ रहे हैं, इल्ला ये कि माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया, अलग बात है। तो मैंने पूछा कि आप कुर्सी में क्यों नमाज पढ़े, वो काफी पैसे वाले हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता था, मैंने पूछा उनको सामने क्यों पढ़ते हैं आप, बोले मेरा कमर है बहुत, तभी मैं बैठ सकता नहीं नीचे, अच्छा इलाज करिए, बोले बेल्ट बांधता हूँ ऐसा करता हूँ। उसके कुछ महीने के बाद उनकी बीवी का इंतकाल, बच्चा जवान है, जब इंतकाल हुआ मैं गया और उसके बाद मेरा ख्याल है 1-2 महीने नहीं गुजरे थे शादी कर लिया। अब तेरा कमर पेन करता, कमर झुकते नहीं, शादी कर लिया, ये हाल है भाई, शादी के लिए शर्म नहीं। एक साहब मुझे कहने लगे तेरा अब्बा को जाकर समझाएगा, अब्बा बाहु ने कर, मेरा बड़ा मुश्किल मामला। तो उनका कुछ दोस्त था, तेरा ना पैर में बहुत तकलीफ था, कहता था ना ठीक हो गई शादी होने के, तो ये हाल हो गया। अफसोस लगता है, लेकिन जहां कुरान पढ़ने की बात करते हैं उमर का, हमने अपनी मस्जिद में कई दफा हमने ऐलान किया कि जो पढ़ना चाहते हैं हमसे राब्ता करेंगे, उसका इंतजाम करेंगे, हम इसीलिए हैं भाई, जहां दीन की खिदमत का मौका आएगा हम करेंगे, जिस हाल में भी आप कहेंगे हम करेंगे। हम कोई एहसान थोड़ी कर रहे दीन का काम करके, हम दीन की खिदमत करते, कोई एहसान अल्लाह करवाता है उसका एहसान है, बस अल्लाह कबूल कर ले हमारी खिदमत को, ये बड़ी बात है। हजरत मौला अमीर शरीयत अव्वल हमदर कहते थे, अबे इस्माइल का कुछ नहीं, इस्माइल जो किया अल्लाह के लिए किया, वो कुर्बानी कौन दे सकता है। अरे दोस्तों इसलिए सपने घर के माहौल को हर आदमी बदले, बदलने की सूरत क्या है, न मोबाइल पर पाबंदी लगा, कैसे लगेगा, बहुत आम हो गया हर घर में। उसका सबसे बेहतर तरीका यह है माँ बाप पहले बच्चे, माँ बाप ईशा के बाद बिना वजह गुफ्तगू भी हदीस में मना, ईशा ईशा